नमस्कार। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भाई क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री विमल शर्मा जी, मंच पर बैठे हुए आदरणीय विजेंद्र अग्रवाल जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष आदरणीय कर्मेश चंद्र गर्ग जी और हमारे छोटे भाई हिमांशु गोयल जी, जिन्होंने मुझे इस काम को करने के लिए प्रेरणा दी। इन्होंने कहा कि मैडम ऐसा प्रोग्राम करा दीजिए, तो उनका बहुत बार बार धन्यवाद। और मेरे साथी लोग नरेश मलिक जी, रामदत्त जी और सभागार में भी नरेंद्र यादव जी और छवि मित्तल जी और मेरे मैं तो इस कॉलेज के साथ तन मन धन से जुड़ी हुई हूँ, मेरी सारी शिक्षिकागण, प्यारे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल साहब और सभी सपोर्टिंग स्टाफ के मेंबर्स, मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप सबके इस सहयोग के लिए कि जो इस कार्यक्रम में आपने दिया। मैं उन बच्चों की, जिन बच्चों ने अपनी ये कविताएं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कहीं, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। मैं उन बच्चों को मैं कहूँगी कि बच्चों, कभी भी कोई जिंदगी में परेशानी हो तो इन कविताओं को अगर आप स्मरण कर लेंगे तो एकदम आप फिर से काम करने लगेंगे। और ये आपके लिए आज एक मील का पत्थर होगा, जो बात आपने कही है उसी बात को अगर आप गुन लेंगे तो आए बहुत बड़े इंसान बनेंगे, बहुत बड़े आदमी बनेंगे और इस विद्यालय का और देश का नाम रोशन करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं ये कहूँगी कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन तो 25 तारीख को है, लेकिन क्योंकि विद्यालय की छुट्टी थी और मैं ये काम चाहती थी कि यहाँ बच्चों के बीच में मैं इस अवसर पे कुछ काम करूँ, इस उपलक्ष्य में मैं आयोजन विद्यालय में करना चाहती थी, इन प्यारे प्यारे बच्चों के बीच में करना चाहती थी, इसलिए इसको मैंने 23 तारीख को रखा। आज सौभाग्य से हमारे दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती भी है, इसलिए हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके और इस कार्यक्रम को शुरू किया। उनके याद में हमने नमन किया। और हम आपको एक बात बताएं कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी और चौधरी चरण सिंह जी की तुलना करें, अभी हमारे माननीय विमल शर्मा जी ने कहा कि वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए चिंतित रहते थे और उसको ही उन्होंने सबसे ज्यादा सुदृढ़ करने की कोशिश हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की है, तो उसी तरह से हमारे जो चौधरी चरण सिंह जी थे वो केवल ग्रामीण व्यवस्था के लिए ही काम करते थे, वो किसानों के मसीहा कहलाते थे, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जमींदारी उन्मूलन एक्ट शुरू किया। जमींदारी ये आज के परिवेश में जो बच्चे पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से जो हमारी अध्यापिकाएं हैं, जो यहाँ जेंट्री है, वो इस बात को बहुत ज्यादा सोचने की बात कोशिश नहीं करते क्योंकि ये परिवेश वो नहीं है, गाँव का परिवेश की बात कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि उनके संदर्भ में ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं कह रही हूँ। जमींदारी उन्मूलन एक्ट जो था वो ये था कि एक जमींदार के पास बहुत सारी जमीन होती थी और सब छोटे छोटे किसान होते थे, उन्हें प्रॉपर उनके काम का मुआवजा नहीं मिलता था जो काम करते थे, उन्होंने एक इसका इस जमींदारी को खत्म करके उस जगह को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर लोगों को दी, जिससे मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज इस यूपी में, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन एक्ट आ गया और छोटे छोटे लोग खड़े हो गए अपने पैरों पर, तो आज नक्सलवाद यहाँ नहीं है जो झारखंड में है, जो दूसरी जगह में है। ये बस निश्चय केवल माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह जी को जाता है। इसी तरीके से बहुत सारी बातें, मंडी समिति की बातें, ये बात इसलिए कहनी थी क्योंकि आज उनकी जयंती है। मैं आपसे कहूंगी कि हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक छोटे से घर में, एक पुजारी जी के घर में पैदा हुए। आगरा में बटेश्वरनाथ का मंदिर है, उसमें जो पुजारी थे उनके बेटे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। मैं उस मंदिर में गई थी जब मैं एमएलसी बनी, हमारे कुछ कार्यकर्ता आगरा में रहते हैं, उन्होंने कहा कि आप वहाँ आइए,
तो उस मंदिर में गई थी दर्शन करने, तब मुझे ये बात बताई गई। उस जगह से उठकर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उन्होंने कैसा स्थान बनाया इस देश में भी और विदेश में भी, ये इस बात को आप सोचिए बच्चों। इससे आप सब जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे घरों के बच्चे हैं, जिनके आर्थिक साधन कम है, इस प्रेरणा को लेकर चले कि कोई भी आर्थिक साधन की कमी हो, अगर मन में जज्बा है ऊपर उठने का, आप किसी भी लेवल तक ऊपर जा सकते हैं और देश में और विदेश में नाम कमा सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। और वो बहुमुखी प्रतिभा के से संपन्न थे, लेखक थे, कवि, कैसी कैसी कविताएं सुनी। मैं कविताओं के बारे में जानती थी कि वो कवि हैं, मगर मैंने शायद पूरी कविताएं कभी पढ़ी नहीं। आज मैंने जाना कि कैसी कैसी कविताएं हैं जो मुर्दे में भी जान डाल दें। ऐसी ऐसी कविताएं, ऐसी जान भरने वाली कविताएं इंसान को, जो आपके पूरे, जो हमारा पीछे हमारी गुलामी की तस्वीर रही, जो हमारी आजादी के बाद शुरुआती दिन में हमारी परेशानियां रही, सबको जो चित्रित करने वाली कविताएं हैं, जीवंत कविताएं हैं, ऐसे कवि हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ही हो सकते थे। मैं समझती हूँ दूसरा कोई नहीं हो सकता। मैं उनको बहुत बहुत उनकी सराहना करती हूँ और मैं कहती हूँ आज वो बहुत बीमार हैं। मैं ईश्वर से उनकी लंबी आयु की कामना करती हूँ कि वो बहुत साल जिए, क्योंकि इस देश के ऊपर, हमारे ऊपर अगर उनका साया रहेगा तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात रहेगी। उनकी दीर्घायु की मैं बहुत कामना करती हूँ आज के दिन। मैं अभी एक शुरू में मैंने एक बात कही विमल जी के बारे में कि विमल जी हमारे जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, मैं नाम लेते वक्त उस वक्त मैंने ये बात नहीं कही क्योंकि मैं पहले ये बात कहना चाहती थी जो कही है। विमल जी हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख थे, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष थी। मैं तभी से मैं इनके विचारों की और इनके काम की फैन रही। भले इनका जो सारा जीवन था और जिस तरीके से इतने सालों से जो व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी काम कर चुका हो, रह चुका हो, बिल्कुल शाना बछाना उसके साथ चला हो, वो आज एक छोटे से परिवेश में रहकर भी कितने अच्छे तरीके से जीवन जीते हैं और एक सादगी का और उच्च विचारों का लोगों को आदान प्रदान करते हैं, मैं इनकी बहुत सराहना करती हूँ। और यही वजह थी मैंने आज इन्हें इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, हमारे महानगर अध्यक्ष जी ने भी इतनी अच्छी कविता सुनाई, मुझे नहीं मालूम था अध्यक्ष जी कि आप इतनी अच्छी कविता सुना लेते हैं। आपकी एक प्रतिभा और उभर के आई। हमारे जो निकाय चुनाव हुए, महानगर अध्यक्ष जी ने बहुत काम किया, उनकी मैं बहुत सराहना करती हूँ। मैं अपने प्रिंसिपल साहब की बहुत सराहना करूंगी कि उन्होंने इस कार्य को, जो आयोजन है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ कह दिया, टोटल आयोजन उन्होंने किया। आपने मेरा काम आपने अपने कंधों पर लेकर किया, आपके का बहुत बहुत आभार। और सबसे पहले और सबसे बाद में मान लीजिए हिमांशु गोयल जी की, कि उन्हीं की प्रेरणा थी इस काम को शुरू करने की और वही उन्होंने किस तरीके से इसमें अपना योगदान दिया है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है उनका आभार व्यक्त करने के लिए। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आपसे, आप सब लोगों ने सहयोग किया, आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय गणे मने अधिनायक, जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा ग्रामीण उत्कल मंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग सब शुभ नामे जागे शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे माता की जय।